अम्माबाद पाउबिल्लाजी बसमानी इंतहाई मज़्ज़स माना ने ग्रामी जनाब राशिद साहब डिप्टी एजुकेशन तहसील सकरगढ़, जनाब शहीद रंजन चौधरी साहब सदर एक्समा तहसील सकरगढ़, मेरे सामने जनाब डॉक्टर शहजाद साहब हैं और हमारी एक्समा की स्कूल गुलदस्ते के फूल जो हैं वो पूरी तहसील से जगह जगह से इखलासपुर से चकमरू से और रैबा से छोड़े से मसलन बुक्सर के पूरे इलाके से मैंने 13 तारीख को भी कहा था कि चूंकि ये सिटी मरकज़ का प्रोग्राम है और इसके बाद जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं और डिप्टी साहब ये पोजीशन होल्डर हैं जो जगह जगह से पहुँचे आए हैं, मैं चाहता हूं कि सुहेल साहब और उनकी टीम को के लिए क्लैपिंग करें कि उन्होंने ये पूरा अगस्त का महीना जो है वो अपनी कौम को जगा के रखा है और नई लहर पैदा कर दी है तहसील शकरगढ़ के अंदर। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं एप्समा की इस टीम को। बच्चों ने तकारीर कैसी की हैं, उनका फ़न कैसा है, ये तो हमारे मोहतरम जजेस जो हैं बड़े माहिर बल्कि ख़ुद भी बड़ी अच्छी स्पीच करने वाले, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले, बल्कि वाजिद साहब तो बेहतरीन ट्रेनर भी हैं। बच्चे तकदीर कैसी करके गए हैं ये तो इनका रिजल्ट बताएगा, लेकिन बच्चे क्या कह के गए हैं ये मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, खुसूसन हम टीचर्स के लिए। मुझे शायद कुछ दोस्त नाराज़ होते हों इस बात से कि मैं हर दफ़ा टीचर्स को ही मुखातब करता हूँ, चूँकि ये मेरा शोबा है, मुझे फ़ख्र है इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र किया था कि मैं मुअल्लिम हूँ। अगर हम मुअल्लिम बनने पर फ़ख्र करते हैं तो हमें इन चीज़ों को देखना भी है। मैंने पूरी तवज्जो से अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे की बात सुनी है। तबानी साहब स्वाए चंद एक बच्चों के, बाकी सारे बच्चे मुझे मायूस नजर आए हैं सिस्टम से। जो 75 साल हमारे मुल्क की उम्र, अभी मुर्तजा साहब फरमा रहे थे कि सिल्वर जुबली है, हर बच्चा इस बच्चे को अब एप्समा का मकसद सिर्फ तकारीर करवाना नहीं है, बच्चों के अंदर सोच क्या है, बच्चों को जो तैयार करवा रहे हैं टीचर वो कहाँ पे खड़े हैं। अगर हमने इसको नोट ना किया और इसको इसको कोई कट लगा के ठीक करने की कोशिश ना की तो फिर ये इस तरह के 175 साल भी गुजर गए तो फिर हम इसी तरह पलटते रहेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए, पाकिस्तान कुछ और बन जाए, पाकिस्तान कुछ और बन जाए। लेकिन मैं टीचर्स को बड़े अदब से कहता हूँ, डिप्टी साहब मौजूद हैं वो जगह जगह टीचर्स को मुखातब रहते हैं, करते रहते हैं, मुखातब रहते हैं कि 75 साल के सिस्टम से हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, बल्कि हम खुद बिल्कुल मुतमइन नहीं है, फिर हम उसी सिस्टम से उम्मीद लगाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। बेशक ये 75-100 साल गुजर जाए लेकिन करना क्या है। यहाँ जो 10-15 लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी आवाज कमोबेश एवरेज 500-1000 बच्चा रोज सुनता है। चले जो गुजर गए, जो मर गए उनकी तो जिंदगी गुजर गई, जिन्होंने आगे आना उनको संवारने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम टीचर्स को अपने अपनी क्लास के अंदर, अपने अपने स्कूल के अंदर इन इन तकारीर को मौजू रख के, इन तकारीर के मवाद को जेन में रख के कि हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, कोशिश करें कि शायद कोई अगले 2-4-10 साल के अंदर हम ये मवाद दे सके बच्चों को, बच्चे कह सकें कि नहीं हमें 75 साल तो ऐसे नहीं मिले थे, अब कुछ सालों से हम कुछ बेहतर करना शुरू हो गए। तो खुदारा तक लच्छेदार तकारीर सुन के मजे लेना हमारा मकसद नहीं है। यहाँ वाह वाह करना, शाबाश करना, पोजीशंस लेना, ये शील्ड्स लेना, ये टीचर को जेब नहीं देता। ये बच्चों को ठीक है फन देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे,
लेकिन ये कहते क्या है, इनको बदलना किसने है? एक बड़ा पढ़ा लिखा जो वालदेन है, एक बड़ा अमीर वालदेन है, एक ब्यूरोक्रेट है, वो बच्चे हमारे पास भेजते हैं, हमने उनकी तरबियत करनी है। कब करनी है? 75 साल तो गुजर गए। तो खुदारा आज की इस दिन का यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आए हम अपनी अपनी क्लास के अंदर, हमने अपने अपने स्कूल के अंदर जब अपनी स्टाफ मीटिंग में बैठे तो कम से कम ये मौजू जरूर बनाए कि हमने इस कौम को चेंज करना है। हम बदल सकते हैं, हम ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जरूर आज के बाद हम करेंगे। तो आखिर में थोड़ा सा मैं डिप्टी साहब के गुज़ारा करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ एक बच्चे ने कहा कि सलाम में वो एक बाप जो है वो उसकी बाजू हिम्मत छोड़ गए हुए थे और वो अपनी बच्ची की लाशें को रस्सी से बांध के फिर रहा था। वाकई हम सबो रोज सोशल मीडिया पे और टीवी पे देख रहे हैं। हमें मेरे नजदीक एज ए मुस्लिम अगर कोई सबसे बड़ी नेकी है, अगर सबसे बड़ा कोई नेक काम है, अगर सबसे कोई अच्छा काम है तो वो है दूसरों का ख्याल रखना। और खुसूसन ये जो परेशान दोस्त है हमारे उनका ख्याल रखना। जैसे ये मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो डीजी जो 1122 वाले थे उनके को डीजी साहब थे उनको इंटरव्यू हो रहा था, तो वो बड़े दुखे दिल से उनकी आंखें भरी हुई थी और कह रहे थे कि सैलाब के दौरान हम रेस्क्यू कर रहे थे तो एक माँ एक बूढ़ी औरत जो जिसको हम इशारे कर रहे हैं कि वो बाहर की तरफ आए तो उसकी नज़र लगातार पानी के अंदर है, लेकिन जब हम उसके मजबूर हो गए कि उसके करीब जाएं तो देखा कि उसने अपनी बकरी की रस्सी बंधी हुई है और बकरी जो है वो मर चुकी है और पानी में वो उसे खींची नहीं जा रही और माँ जो है वो जब तक रेस्क्यू वाले उसके करीब पहुंचे तो वो बूढ़ी औरत भी पानी में गिर गई और वो भी जान शहादत नोश कर गई। तो इस तरह के वाकयात बहुत सारे जो हम चल रहे दिन रहे हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर डिप्टी साहब बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी है कि हर स्कूल जो है वो सैलाब ज़दगान के फंड्स के लिए कम से कम छोटी सी फायर जो फ्लैक्स है वो अपने गेट पे लगाएं और हर स्कूल टीचर जो है हर प्राइवेट स्कूल का जो दफ्तर है वो कैंप बनेगा। मैंने देखा ये बाजार में भी 2-3 कैंप लगे हुए हैं। अच्छी बात है, हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एप्समा पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हर प्राइवेट स्कूल के दफ्तर को फंड्स कलेक्शन सेंटर मुकर्रर कर दिया है। यहाँ जो के टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम कल से मैं और सुहेल साहब और हमारे बाकी साथी प्राइवेट स्कूल्स पूरे डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर हम डोर टू डोर विजिट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आए मिलके हम भी इस काबिल बन जाएं कि हम भी जब उनकी मदद करने वालों की क़यामत वाले दिन लाइन लगी हो तो हम भी कह सकें कि हमने भी थोड़ी सी कोशिश की थी, शायद हमारी कोशिश का यही वजह बन जाए। तो मैं सुहेल साहब मैंने सोच रहा था कि कम अज कम ज्यादा तो जितना भी करना चाहे करे, हर स्कूल का बच्चा 100 रुपये और वो स्कूल में जितने भी स्टाफ के मेंबर हैं, खा वो टीचिंग स्टाफ है खा वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो कम से कम 500 रुपये अगर करें तो हम मिलियंस रुपीज जो है वो शकरगढ़ से और नारोवाल से वहाँ बेच कर सकते हैं। 100 रुपया कोई चीज़ नहीं है। आजकल अक्सर बच्चे 50-100 रुपया जो है वो जेब खर्च लेके आते हैं। तो कल से बच्चों अपने अपने स्कूल के अंदर ये जो टीचर्स अंदर आज बैठे हुए हैं ये कोशिश करें प्रेयर के अंदर रोज बात करें बच्चों के साथ। तो एवरेज अगर किसी के पास 200 बच्चा है तो वो 100 रुपये कलेक्ट करेगा तो हैंडसम अमाउंट बन जाएगी। अगर किसी के पास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास 1000 बच्चा भी है, 1500 बच्चे वाले भी स्कूल हैं, तो हम अगर मामूली सी कोशिश करें 100 रुपया कम अज कम पर बच्चा और 500 रुपये पर स्टाफ मेंबर करें तो अगले हफ्ते के अंदर अंदर 10 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट नारोवाल एप्समा और तहसील शकरगढ़ एप्समा डोर टू डोर आएगी, आपसे रिक्वेस्ट करेगी। और जिसने हमें वो मैं कल भी एक मीटिंग में कह रहा था कि अक्सर दोस्तों के पास जाएं तो वो तकल्लुफात में पढ़ते हैं, मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ
कि हम इस हफ्ते इस महीने के दौरान किसी दोस्त के पास जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पेश करे, हमें खुशी होगी। जो 500 रुपया हमारे ऊपर खर्च करना है वो भी इस फंड में शामिल कर दें। वो माल इन्हें लड़ पड़ा।